तरंदीप, एक ऐसा एक्सरसाइज बताइए जिसके फायदे बहुत सारे हों और करने में ज़्यादा मुश्किल बना हो और जो हर कोई कर सकता हो। हाँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा आसन बताऊंगी जिसका नाम है हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं, क्योंकि ये हाफ स्पाइनल ट्विस्ट है तो ये आपके स्पाइन को बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट करता है, जिससे आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और पोस्ट स्ट्रेचिंग ये बॉडी को बहुत अच्छा रिलैक्स देता है। प्लस आप पूरा ट्विस्ट हो रहे हैं तो कुछ हद तक ये आपके बेली फैट को कम करने में भी मदद करता है। करते हैं, चलिए। तो इसके लिए हम मैट पर लेटेंगे। इसके अंदर हम तीन वेरिएशंस करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएशन के लिए दोनों हाथ हम अपने साइड्स पर रखेंगे, शोल्डर्स मैट के ऊपर प्लेस्ड होंगे। अब हम अपनी पहले राइट लेग को उठाएंगे और उसको लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, और एंड वी विल लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारी जो राइट लेग है वो लेफ्ट साइड पे है और हम देख रहे हैं अपनी राइट साइड पर। तो आपको स्ट्रेच फील हो रहा है? अब हम इसको दूसरी लेग से करेंगे, जिसमें हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे, उसको राइट साइड लेकर जाएंगे और हम अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए, हमारे शोल्डर्स भी ट्विस्ट हो रहे हैं, हमारी बैक भी ट्विस्ट हो रही है, हमारे ग्लूट्स पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। हाँ, ये इसका पहला वेरिएशन। अब दूसरे वेरिएशन के लिए हम अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे और दोनों पैरों के बीच में तकरीबन आधे इंच का डिस्टेंस रखेंगे और हम अपनी दोनों लेग्स को राइट साइड लेकर जाएंगे। तो हमारी जो लेफ्ट नी है वो हमारे राइट एंकल पर रेस्ट करेगी और हम ऑपोजिट साइड देखेंगे। हाँ, ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पर देखिए। हाँ, पैर को थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ऐसे, यस। हाँ, आप दोनों लेग्स को फिर से सेंटर में लाइए और साइड चेंज कीजिए। लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यस, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड वेरिएशन, जिसमें हम दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और अब हम दोनों पैरों को अपने राइट साइड लेकर जाएंगे और अगेन वी विल लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इसका सबसे आसान वेरिएशन है। अब हम दूसरी साइड करेंगे सेम चीज को। अरे वाह, ये तो आसान भी था, है ना? हाँ। तो स्पाइनल ट्विस्ट आज से मैं रोज करूंगी। तो ज़माना इंस्टेंट का है ना, इंस्टेंट खाना खाते हैं, तो क्यों ना कुछ इंस्टेंट योगा के आसन्स हैं, जैसे कि स्पाइनल ट्विस्ट, जैसा कि तरनदीप ने बताया कि इसके तीन वेरिएशन हैं, इनको तो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है तो मुझे लगता है कि योगा के रूटीन में इनका होना बहुत ज़रूरी है।